कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। ब्लॉग अब्रॉड चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, ताकि मैं आप लोगों को पर्सनली थैंक कर पाऊँ। और आज यहाँ पे दिन है मंडे, और संडे को मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया, तो आप लोगों को कोई व्लॉग मिला भी नहीं होगा। कई बार ऐसा हो जाता है ना कि इंसान असमंजस में आ जाता है कि लोग आपको देखना पसंद कर भी रहे हैं या नहीं। खैर, आप ये मैं नहीं है, पसंद तो धीरे धीरे ही बनती है, तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं अच्छे से अच्छे वीडियोज बनाऊँ और आप लोगों तक वो पहुँचाऊँ। फिर कई बार ये भी सोचती हूँ कि एक ही चीज अगर मैं दिखाती रहूंगी तो आप लोग बोर ना हो जाएं, इस वजह से भी एक आध दिन का गैप ले लेती हूँ वीक में, और फिर वीडियो शूट करके आप लोगों के लिए डालती हूँ। तो आज मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि आप भी मुझे सजेस्ट कीजिए कि आप क्या देखना चाहते हैं। आप जो देखना चाहते हैं मैं उस टाइप के वीडियो बनाऊंगी तो मुझे भी खुशी होगी, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यहाँ सुबह का अभी 11 बजा हुआ है, धूप बहुत तेज है और मौसम काफी सनी है आज, तो मैंने सोचा कि बैल्कनी में भी थोड़ा वीडियो शूट करना चाहिए, आप लोगों को दिखाऊं मैं कि कैसी धूप होती है यहाँ पे। और वो जो आप वहाँ पर देख रहे हैं ना, ये ना एक क्रेन है, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये ना इसी के थ्रू वो जो वर्कर्स होते हैं ना, ये उस क्रेन, पता नहीं उसको एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, मैं आप लोगों को क्रेन ही बता रही हूँ, तो उसमें दो वर्कर सवार होते हैं। और ये जो जितने भी ग्लास पेंस होते हैं ना बिल्डिंग के सारे, ये सब क्लीन करते हैं। हमारी बिल्डिंग की क्लीनिंग ऐसे होती है, ये जो बिल्डिंग के नीचे ऊपर से नीचे पूरी रोप आई हुई है ना, ये भी उसी क्रेन के लिए ही है। आई थिंक ये लोग हर 2 या 3 मंथ में ऐसे साफ करते रहते हैं, तभी ये ग्लास चमकते रहते हैं ना, वरना तो चांस ही नहीं है। यहाँ धूल भी काफ़ी उड़ती है गर्मियों में तो और भी ज़्यादा, क्योंकि सैंडस्टॉर्म आता ही रहता है ना। ये देखिए ये जो क्रेन है, मैं तो उसको क्रेन ही बोलती हूँ, ये नीचे लेकर आ रहे हैं, और उसमें दो वर्कर भी है उन्होंने, तो ये लोग नीचे पहले आएंगे फिर आई थिंक सफाई स्टार्ट करेंगे। देखिए ये सामने वाली बिल्डिंग की क्रेन है और वो हमारी बिल्डिंग की क्रेन है, बस सफाइयों के लिए। ये सारी तरफ बिल्डिंग की ना ऊपर एक रेलिंग होती है, रेलिंग होती है ना, उसके थ्रू ये लटकता है क्रेन और इसी से सफाइयां होती हैं। डेली डेली रोटी खाकर भी बोर हो जाते हैं ना, तो आज मैं क्या बोलूं उसको, तंदूरी रोटी भी नहीं बोल सकती क्योंकि तंदूर में तो नहीं बना रही हूं, पर तंदूरी रोटी टाइप की ही बना रही हूं, तो चलिए इसको बोल देते पार्शल तंदूरी रोटी। अजीब नाम है ना, पर यही है कि कोई भी चीज जो काम हम डेली रूटीन में करते ना, कई बार बोर होने लगते हैं उससे, तो रोटी खा खा कर मैं भी बोर हो गई। तो कल मेरे हस्बैंड ने बोला कि जैसा तू तंदूरी रोटी बनाती है वही बना, तो मैंने कल भी वही तंदूरी रोटी बनाई थी, पर मैंने वीडियो शूट नहीं किया। मैंने सोचा अगर सही नहीं बनी तो फिर तो पचका हो जाएगा ना, तो कल मैंने ट्राई कर लिया, तो आज मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर रही हूँ। तो आइए तंदूरी रोटी घर पर ही बनाते हैं, और कुछ भी स्पेशल नहीं करना है, जो आटा आप डेली यूज में लाते हैं उसी आटे से बनानी है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये जो मैं लोहे की कढ़ाई लेकर आई थी ना, ये बहुत काम की है। कभी कभी तो दिल करता है इसको लोहे की कढ़ाई ना बोलकर करामाती कढ़ाई बोलना चाहिए। तो बस लोहे की कढ़ाई आप ऐसे उल्टी करके गैस पर गर्म होने के लिए चालू कर दीजिए, और इसको आप तवे पर भी बना सकते हैं। तवे पर कैसे बनाना है वो मैं आपको फिर किसी दिन बताऊंगी, पर आज कढ़ाई पर मैं बताती हूँ, क्योंकि इस पर
पार्शल तंदूरी रोटी बहुत अच्छी बनी थी, इसलिए मैं आपको लोहे की कढ़ाई वाली ही तरीका बता रही हूँ। तो जो आटा हम डेली यूज करते हैं वो हम गूंथ कर भी रखते हैं, तो मैं बस वही आटा ले रही हूँ। थोड़ा बटर लगाएंगे, जो हमारी रेगुलर रोटी का साइज होता है ना उससे कम से कम डेढ़ गुना बड़ा आप रोटी का पेड़ा लीजिए, क्योंकि तंदूरी रोटी थोड़ी जाड़ी बनती है, थोड़ी मोटी बनती है, सही है। तो बस पेड़ा लीजिए और उसको जैसे हम नॉर्मली रोटी रोल करते हैं बेल लेते हैं। आटा तो क्या सिंपल, जो हम लोग गूंथ कर रखते हैं ना वही आटा है, मैंने इसमें मैदा भी नहीं डाला है। अगर आप लोग मुझे बोलेंगे कि किसी दिन कुलचा बनाकर बताओ, मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आप लोगों को कुलचा भी बनाकर बताऊंगी। बस हम रोटी रोल कर लेते हैं, फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ। ये रोटी हमने बेल ली, अभी इस पे थोड़ा पानी लगा देंगे बस, और कढ़ाई भी चेक कर लेंगे कि वो ठीक से गर्म हो गई है या नहीं। तो चेक कैसे करेंगे, थोड़े पानी के छींटे मारेंगे, बिल्कुल गर्म हो गई है। तो अब ये रोटी हम इस पे लगा देंगे, तो रोटी कैसे लगाना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। रोटी हाथ में उठाना और गीला वाला साइड नीचे मतलब कढ़ाई पर जाना चाहिए। ये अगर ऐसे भी हो गई ना तो कोई बात नहीं है, आप इसको अच्छे से चिपका दीजिए और फ्लेम तेज ही रहने दीजिए, बस ये खुद से अब सिकने लगेगी। जब तक हम दूसरी रोटी बेल लेते हैं, दूसरी रोटी भी बेल कर मैंने रेडी कर ली है, तब तक हम इसको पलट कर सेकेंगे, क्योंकि दोनों साइड से सेक लगना चाहिए ना इसको, तो बस इसको पलट कर सेकेंगे। इसको बहुत सावधानी से सेकिएगा, हाथ भी जल सकता है, तो आप मैं एक साइड से इसको संसी से पकड़ रही हूँ और दूसरे साइड से नैपकिन से पकड़ूंगी। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन बहुत अच्छी लगती है ये रोटियां, बहुत टेस्टी लगती है। देखिए हमारी रोटी बहुत अच्छे से सिक गई है, मैं आपको इसका पास से भी लुक दिखाती हूँ। देखिए हमारी रोटी बहुत अच्छे से सिक गई है, कहीं से भी कच्ची नहीं रही, इवन जहाँ थोड़ी सल पड़ गई थी वो भी एरिया बहुत अच्छे से सिक गया है। तो बस अब इसको हम कढ़ाई से निकाल लेंगे। गैस का फ्लेम मैंने कम कर दिया है और इसको हम लोग सराटा बोलते हैं, पता नहीं आप क्या बोलते हैं, इससे निकालिए तो ईजिली निकल जाएगी। देखिए रोटी कितनी आसानी से निकल रही है ना। ये देखिए कितनी अच्छी सिकी है ये रोटी,
बस इसमें भी पीछे की तरफ से घी लगा देंगे, आप बटर लगा देंगे, आप चाहें तो सामने की तरफ भी लगा सकते हैं। मैं इसमें पीछे से ही बटर लगा रही हूँ। और मैं आपको ये रोटी मैं दूसरी डाल देती हूँ, फिर मैं इसका करीब से आपको लुक भी दिखाती हूँ। सेम प्रोसेस है, देखिए कितनी बेहतरीन सिकी है रोटी और बहुत क्रंची है। इस रोटी का टेस्ट अपनी जो रेगुलर फुल्का रोटी होती है उससे काफी अलग होता है, तो कभी कभी फौरा चेंज ये जरूर बनाइए, आपके फैमिली में भी लोगों को बहुत पसंद आएगी। और इसे किसी भी ग्रेवी वाली सब्जी के साथ खाइए या घर पे दाल मखनी बनाइए उसके साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगती है, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। और मैं आशा करती हूँ कि मेरा आज का वीडियो भी आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग। मा सलामा।